वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जितने भी वीडियोस आपके पास गए हैं उन सब का नोटशीट बनाना है। स्कूल प्रबंधन द्वारा दिए गए डेट 10 जून टू 15 जून के बीच में आपको अपनी फेयर कॉपी स्कूल में अपने पेरेंट्स के द्वारा भेजना है। उसे यहाँ पर चेक कर दिया जाएगा और रिमार्क्स डाले जाएंगे, कुछ एक्टिविटीज आपको दिए जाएंगे। उस एक्टिविटीज को आपको क्या करना है और फिर जब देख जाएगी तो फिर उसको वापस कर आपको अपने गार्जियंस के द्वारा भेजना है। मैं बात कर रहा था पिछले वीडियोस में मैंने आपसे बताया था कि कौन कौन से रिविजन टर्म्स में बताया था, डाइल्यूशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होती है, कंडेंसेशन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है और बर्निंग क्या होता है। अब इसी में से एक टॉपिक जो सबसे पहला था, डाइल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड इज ए फिजिकल चेंज। अब यह टॉपिक है डाइल्यूशन जो होता है सॉलिड का लिक्विड के फॉर्म में आता है, वह एक सिंपल फिजिकल चेंज है। आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे? सो यू शुड आप यहां देखिए सुगर, आपने देखा होगा सुगर इज स्वीट, इट डिसॉल्व इन वाटर इजली। जब चीनी को पानी में डालते हैं वो आसानी से घुल जाता है। सॉल्यूशन ऑफ सुगर ऑल्सो टेस्ट स्वीट। अब जो वो आपने पानी का सॉल्यूशन जो तैयार किया चीनी के साथ, अगर उस पर टेस्ट किया जाए तो वो कैसा होता है? मीठा होता है। दैट इज सुगर ऑन डिसॉल्यूशन हैज नॉट लॉस्ट इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज। चीनी का जो अपना प्रॉपर्टी था, मिठास था, वो पानी में घुलने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। वो उसने पानी को ही क्या कर दिया, पूरे वाटर लिक्विड को ही क्या कर दिया, उसने मीठा बना दिया। सो सॉल्यूशन ऑफ सुगर बीन कॉन्सेंट्रेटेड बाय हीटिंग। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले एक चाइना डिश लेना है और चाइना डिश में क्या कर देना है, कुछ पानी ले लेना है, कुछ 10 ml, 20 ml, 50 ml आप पानी लीजिए। उसके रिस्पेक्ट में आप उसमें चीनी डालिए, उसको मिलाइए। उसी देर में चीनी का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, दिखेगा नहीं। सो अब यह सॉल्यूशन तैयार है, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज द सुगर सॉल्यूशन। अब इस सुगर सॉल्यूशन को लिया, चाइना डिश में बनाया था हमने, उसको डाल दिया कहां पर, एक स्टैंड लगाया। यहां पर देखते हैं हम लोग, यह स्टैंड है, इसके साथ डिश के साथ लगा हुआ है यहां पर क्या, एक बर्नर लगा हुआ है और यहां तार की जाली लगी है, वायर गॉज मेस बनाया हुआ है ये, और इसको क्या कर दिया गया है, स्टैंड के साथ इसको फिक्स किया हुआ है। इसके ऊपर क्या डाला हुआ है, चाइना डिश को डाल दिया है। अब इसको धीरे 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 क्या करेंगे हम लोग, गर्म करना शुरू करेंगे। ये स्टैंड के साथ है यहां पर, ये स्टैंड इसके साथ फिक्स्ड है। कहा कि जब इसको गर्म करेंगे आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर के बाद ये कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाएगा, पानी की मात्रा कम होने लगेगी और उसमें वो गाढ़ा बनने लगेगा। द कोल्ड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होने लगेगा, गिव्स बैक द क्रिस्टल ऑफ सुगर। कुछ ही देर के बाद जब वो गर्म होगा तो आप देखेंगे कि उसमें फिर से अपीयर हो रहा है, कौन क्रिस्टल आ रहे हैं सुगर के। दिस क्रिस्टल ऑल्सो टेस्ट स्वीट। इस क्रिस्टल को आप अगर टेस्ट करके देखेंगे तो वो कैसा मिलेगा आपको, स्वीट मीठा मिलेगा। द सुगर द ओरिजिनल सब्सटेंस, यस वही सुगर था, सॉल्यूट था जो पानी में डाला गया था, ओरिजिनल सब्सटेंस इज रिकवर्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन। इसको सॉल्यूशन से बाहर आ गया By simple method, यह एक सिंपल सा मेथड मैंने जो दिखाया वो सिंपल सा मेथड था। ड्यूरिंग डिसॉल्यूशन सुगर डज नॉट लूज इट्स स्वीटनेस। क्या बताया जा रहा है कि सॉल्यूशन तैयार हुआ था उसमें सुगर ने अपना स्वीटनेस अपना मिठास नहीं खोया, इट इज रिकवर्ड, उसको फिर से गेन किया जा सकता था फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन, उसके क्रिस्टल के फॉर्म में लेकर। देयरफॉर द डाइसोल्यूशन सुगर इन वॉटर इज ए फिजिकल चेंज। तो आप कह सकते हैं डाइसोल्यूशन जो सुगर का था वो एक सिंपल फिजिकल चेंज था। नाउ वंस अगेन आई रिपीट यू, दैट इज द स्टैंड, ये क्या है, स्टैंड है ये, वायर डिश गॉज है ये, बर्नर है ये, चाइना डिश रखा हुआ है और इसमें सुगर और वाटर का सॉल्यूशन रखा था मैंने, इसको गर्म करना शुरू किया। कुछ देर के बाद देखेंगे पानी जो होगा वाटर स्टीम बनके इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है। अब इसको उठाकर एक बेस के ऊपर डाल देंगे,
कुछ देर के बाद जो कूल हो जाएगा आफ्टर सम टाइम द सुगर क्रिस्टल इज हियर, तो सुगर क्रिस्टल यहाँ पर आपको मिलेंगे, आप उसका टेस्ट किया जा सकता है, वो कैसा मिलेगा आपको, मीठा। दैट शुड बी हियर रिटेन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन व्हेन कूल्ड गिव्स बैक द क्रिस्टल ऑफ द सुगर, वो ठंडा होने के बाद फिर सुगर का ही क्रिस्टल बनाकर देता है। इस पूरी प्रक्रिया में सुगर ने अपना कोई भी तरह का जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसको उसने लॉस्ट नहीं किया और वो फिर से रीगेन हुआ। इसे आप बढ़िया से ड्रॉ करेंगे, नीट एंड क्लीन स्केच बनाएंगे, इसका बुक्स में आपके दे रखी गई है ये पिक्चर्स, तो बढ़िया से उसका स्केच बनाएं, इसको माइन्यूटली लिखना है आपको इस एक्सपेरिमेंट को, और फिर कॉपी तैयार करके फिर आपको कहां भेजना है, अपने स्कूल में माता पिता से यहां चेक की जाएगी और फिर आपको वो वापस किया जाएगा। टिल दैट बेस्ट ऑफ लक।